Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, okay. Ma'am. So there is only one paragraph left in this chapter. First, you will complete that, and then we will discuss all of your problems and queries. Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. हमने last जो पढ़ा था वो ये था कल की क्लास में कि किस तरह से यहाँ पे इंपीरियलिज्म जो है वो फैलने लगा था और एक जगह थी बलकान, बेसिकली वहां पर ये चीज ज्यादा देखी जा रही थी। वो एरिया जो था सबसे ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वाला था और हर कोई चाह रहा था कि उसकी जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड हो जाए और उसका कंट्रोल ज्यादा हो जाए। इस वजह से रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जो है वो ज्यादा ऐसे पावर्स थी जो बेसिकली ये चीज करने की कोशिश कर रही थी, अपनी पावर्स जो है वो दूसरे पर होल्ड करने की कोशिश कर रही थी। और बेसिकली बलकान जो एरिया था वहां पर ये लोग अपना कंट्रोल करना चाह रहे थे और इसी वजह से काफी ज्यादा लड़ाइयां हुई। और यही लड़ाइयां जो है इसी का फाइनल एक टर्म जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो निकल के आई। इसी रीजन में लड़ाई सबसे यहाँ पे बहुत ज्यादा शुरू हुई थी इस वजह से। अब आगे ये बोला जा रहा है कि नेशनलिज्म जुड़ गया था इंपीरियलिज्म के साथ में। इसके बाद में क्या हुआ, यूरोप जो है वहां पर बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ। 1914 में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई। बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कोलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। और उसी समय के दौरान जब यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी यूरोप में, तो बाकी जो देश थे दुनिया के जहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज बना दी थी यूरोपियन पावर्स ने, वहां पर 19th सेंचुरी की शुरुआत होते होते वहां पर ये इंपीरियल डोमिनेशन यानी कि जो मोनार्की चली आ रही थी, जो इन लोगों ने रूल लगा रखा था, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो इन्होंने अपना ब्रिटिशर्स ने रूल लगा रखा था और कॉलोनीज बना रखी थी वहां पर, इस तरह की काफी और भी जगहों पर इन लोगों ने ये सब चीजें कर रखी थी, तो उनका विरोध होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वहां पर इस चीज का प्रोटेस्ट होने लगा और वो लोग आजादी पाना चाह रहे थे उस समय में 19th सेंचुरी की शुरुआत में। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जामिन उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बाकी जगहों पे, एशियन कंट्रीज पे भी वहां पे ये सब शुरू हुआ। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स शुरू हो गए थे हर जगह पे, वो लोग नेशनलिस्ट के तौर पर अपने आप को एक पहचान दे रहे थे, ठीक है, इस सेंस में कि वो अपनी जगह को बिल्कुल नेशन स्टेट को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे इन लोगों से। एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और वो लोग इंस्पायर्ड थे कि अब हमने जो है एक नेशनल यूनिटी यानी कि एकता लेकर के आनी है अपने देश के प्रति। एंड फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म, और वो इस इंपीरियलिज्म को बिल्कुल यहाँ से हटाना चाहते थे। European ideas of nationalism were now were replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. अब जो European ideas थे यानी कि यूरोप के लोगों के जो ideas थे nationalism के, वो सब जगह अब replicate किए जा रहे थे, ठीक है। और लोग बाग जो है वो खुद से अपने ideas जो है nationalism के वो लेकर के आ रहे थे। उनकी देशभक्ति का जो अलग एक तरीके से डेफिनेशन है वो अलग अपनी डेवलप कर रहे थे, वो इस चीज को रिपीट नहीं कर रहे थे जो ये यूरोपियंस की थी। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इन टू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्स। लेकिन जो एक चीज थी कि सोसाइटीज जो है वो अब एक नेशन स्टेट की कैटेगरी में आनी चाहिए, वो नेचुरली और यूनिवर्सली सब लोगों ने चीजें एक्सेप्ट कर ली थी। तो आइडिया जो था उनका एक आजादी को लेकर के, एक नेशन स्टेट को लेकर के, वो डिफर था। और वो लोग अब बिल्कुल नेशन स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते थे और बिल्कुल फ्री होना चाहते थे इंपीरियलिज्म से, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। सो आई गेस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन आस्क नाउ। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आई है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। नो मैम।
वॉट अबाउट अदर्स, बाकी बच्चे भी जवाब देंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम. सो एवरीथिंग इज क्लियर्ड, सबको सब कुछ आ गया है समझ में. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डाउट इन एनी टॉपिक. मैम इंट्रोडक्शन ऑफ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ओके पेज नंबर बोलिए. पेज नंबर 8. ओके okay if you look at the map of mid 18th century europe you will find that there were no nation state as we know them today. agar aap mid 18th century ke samay ka europe ka map dekhenge to wahan par aapko dekhne ko milega ki bilkul bhi wo nation state jaisa nahi tha jaise ki wo aaj hai. what we know today as germany italy and switzerland were divided into kingdoms duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. जो हमें देखने को मिलेगा उस समय में, जिसको आज हम जर्मनी इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, उस समय में मिड 18th सेंचुरी में यहाँ पे अलग अलग किंगडम डचेस और कैंटोन्स हुआ करते थे, जिनके ऊपर अलग अलग रूलर्स राज किया करते थे अपने अपनी टेरिटरीज के अंदर अपने तरीके से. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल. अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वहां पर अलग अलग मोनार्कीज थी, अलग अलग राजा लोग थे, अलग अलग किंगडम्स थे और वहां पर अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे. दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर. वो लोग अपने आप को ऐसे नहीं देखते थे कि वो लोग कॉमन है या उनकी प्रॉपर एक कॉमन आइडेंटिटी है या एक कॉमन पहचान है या उनका एक कॉमन कल्चर है. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. अक्सर वो लोग अलग अलग भाषाएं बोला करते थे और अलग अलग ethnic group को belong किया करते थे. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions. अब example के तौर पे एक empire के बारे में बताया है, Habsburg Empire, जो Austria और Hungary पे rule किया करता था, वहां पर एक अलग तरह का patchwork था. Patchwork as in की उस region के अंदर अलग अलग तरह के एरियाज थे, अलग अलग रीजन थे, साथ ही साथ अलग अलग लोग थे. इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन द टायरोल ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वर प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. अब इसके अंदर के जो एरियाज हैं वहां पे एक रीजन बताया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कई सारे रीजन और कई सारे लोग थे, तो रीजन बताया है एल्पाइन रीजन जिसके अंदर ये वाले एरियाज आ रहे हैं, टायरोल ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जिसके अंदर बोहेमिया भी है इंक्लूडेड, और यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो रूलिंग वो था पार जो थी वो बेसिकली जर्मन स्पीकिंग थी, यानी कि वो लोग जर्मनी बोला करते थे. अब यहाँ पर इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे, यानी कि इटालियन बोलने वाले रीजन भी थे जो बेसिकली थे लोम्बार्डी और वेनेशिया के. फिर यहाँ पे हंगरी भी था जिसमें हाफ पॉपुलेशन जो है वो मग्यार बोला करती थी. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. और जो बाकी एरिया था हंगरी का वो पहले आधी तो मग्यार लैंग्वेज बोल रहा है, दूसरा जो है वो अलग वहाँ की वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट्स है बोलियां हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. अब यहाँ पे एक और जगह का नाम दिया है, रीजन का नाम दिया है Galicia, जहाँ पर जो वहाँ का रूलर था वो बेसिकली पोलिश बोला करता था. Polish is a language. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in the Carniola, Croats to the south and Romans to the east in Transylvania. अब यहाँ पे बाकी region के बारे में बताया है कि भाई ये जो तीन dominant group थे इनके अलावा भी वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग रहा करते थे, जो किसान वगैरह हुआ करते थे वो लोग रहा करते थे, जिनके अंदर नॉर्थ के साइड में आते थे बोहेमियंस और स्लोवाक्स, और स्लोवीन्स आते थे कैरनायोला में, क्रोट्स आते थे साउथ के अंदर, रोमन्स आते थे ईस्ट
ट्रांसिल्वेनिया के अंदर, यहाँ पे बेसिकली जगहों के साथ में और जगहों के अंदर भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में भी कुछ जगहों का मेंशन किया हुआ है कि उस जगह के साउथ में कौन लोग रहते थे या उस जगह के नॉर्थ में कौन से लोग रहते थे। सच डिफरेंस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब इतना ज्यादा डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी लोगों के अंदर, यूनिटी यानी कि एकता वाली जो चीज थी उनके अंदर थी नहीं, क्योंकि वहां पर उनकी कॉमन कोई आइडेंटिटी थी नहीं, इसलिए वो बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे, अलग अलग रीजन को बिलोंग किया करते थे और अलग अलग उनका कल्चर था। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलेजेंस टू द एम्परर। सो जो बेसिकली एक कॉमन चीज इनकी यहाँ पे ये थी कि ये एक अपने एम्परर के प्रति लॉयल थे, बस यही एक टाई बाइंडिंग चीज थी यहाँ पे जो उनको बांधे हुई थी। अब समझ में आया आपको? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। यस, किसी और को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स आई एम स्टिल आस्किंग यू, किसी और को कोई दिक्कत है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके रूपाक्षी प्लीज, आप थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। द वर्ड इंपीरियलिज्म। बेटा यू शुड यूज दैट चैट ऑप्शन, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बस इंपीरियलिज्म सुनाई दिया। ये वर्ड समझ में नहीं आया है या आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है? मैम ये वर्ड समझ में नहीं आया। बेटा इंपीरियलिज्म जो है बेसिकली बिलोंग करता है रॉयलिज्म को लेकर के, मोनार्की को लेकर के, जो रॉयल रूल होता है उसके लिए बोला जाता है इंपीरियलिज्म, यानी कि पर्टिकुलर वहां पे कोई एम्परर और या कोई रूलर या किंग जो है उसके अंडर में जो रूल किया जाता है, मतलब उसके अंडर में जो आती हैं चीजें, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी एक तरीके से इंपीरियलिज्म लगाया गया था इंडिया के ऊपर भी, जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आकर के रूल करने लगे थे और वो बोलते थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी एज इन कि वहां का जो राजा या रानी है जो भी है उनके अंडर हमारे यहाँ को गवर्न किया जा रहा था, तो इस चीज के लिए बोला जाता है इंपीरियलिज्म। ओके सो और किसी को कोई दिक्कत और कोई डाउट किसी का? नो मैम। ओके सो वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ये चैप्टर हमारा आज यहीं कंप्लीट हो गया है, प्लस आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स और क्वेरीज थी वो भी आज इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई हैं। आई एम गोइंग टू अपलोड क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन योर स्कूल ऐप एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू डाउनलोड द पीडीएफ एंड डू इट अकॉर्डिंगली इन योर फेयर कॉपीज। ओके अपनी फेयर कॉपीज के अंदर या रजिस्टर जो भी आपने मेंटेन किया है आपने उसमें वो क्वेश्चन आंसर्स जो है प्रॉपर्ली करने हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज हम इतना ही करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स मैं भी अपलोड कर देती हूँ और फिर उसके बाद आप डाउनलोड करके कर लीजिएगा, ठीक है? हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.